हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशित तोरण का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वाइट और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड, इस फ्लावर की डिज़ाइन और पट्टी की डिज़ाइन आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड, आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक एक मोती लगा के लिया है फ्लावर के। तो आप को नहीं लगाना है तो भी आप नहीं लगा सकते, तो भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने फ्लावर की डिज़ाइन और पट्टी की डिज़ाइन इस वीडियो में नहीं बताई है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने फेशियल वीडियो डाला है। तो इसमें मैंने लटकन और हम फ्लावर को किस तरह से ज्वाइन करेंगे पट्टी पे वो बताया है। तो चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टू ब्लॉक बना के लिए है। तो मैं आपको हम फ्लावर को ज्वाइन किस तरह से करेंगे और साइड से लटकन लगाने के लिए हम चेन किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक बना के लिए है। तीसरा ब्लॉक में आपको हम किस तरह से बनाएंगे वो बताऊंगी। तो इसके लिए हमें 6 फ्लावर बनाने होंगे। तो फ्लावर का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो, और पट्टी का भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फ्लावर के वीडियो में फ्लावर का वीडियो है और पट्टी के डिज़ाइन में पट्टी का वीडियो है। तो फ्रेंड, चलो इस तरह से फ्रेंड हम फ्लावर बना के लेंगे। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो मैं आपको फ्लावर के बीच में हम मोती किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमें सुई धागा लेना पड़ेगा और उसके बाद इस तरह से सुई को लेके इस तरह से मोती लगा के पीछे की साइड से हमें नॉट लगा के लेना है। और यहाँ पे धागे को कट करके नॉट लगा के लेना है। तो फ्रेंड, हमें इस तरह से सारे फ्लावर पे मोती लगा के लेने हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर के ऊपर मोती लगा के लिए हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको हम इसे ज्वाइंट किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, इस तरह से हम पट्टी को रख के यहाँ पे तो फ्रेंड, इस तरह से हम फ्लावर को रख के इसे हम सुई धागे से ज्वाइन करके लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पट्टी से फ्लावर को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जो फ्लावर का यहाँ पे और यहाँ पे तीन जगह पे। उसके बाद बीच में हम यहाँ पे तीन पंखुड़ी को
ज्वाइन करेंगे फ्लावर के फिर से यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर से इस फ्लावर को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ फ्रेंड। पहले हम फ्लावर को इस तरह से, दो फ्लावर को उल्टा इस तरह से लेंगे और पहले यहाँ पे हम सुई धागे से उसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे और नॉट लगा के लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से, और यहाँ पे भी हम धागे को कट करके लेंगे। अब फ्रेंड हम तीसरे धागे को, तीसरे फ्लावर को भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने दो फ्लावर को ज्वाइन किया है यहाँ पे और यहाँ पे ज्वाइन करके लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने तीसरे फ्लावर को भी ज्वाइन करके लिया है। अब हम दूसरे फ्लावर को यहाँ पे इसे हम ज्वाइन करके लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे हम उल्टा रख के इस तरह से यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह पे हम इसे ज्वाइन करके लेंगे। उसके बाद दूसरे फ्लावर को भी हम उसी तरह से तीन जगह पे ज्वाइन करके लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने टू फ्लावर को भी ज्वाइन करके लिया है। अब हम तीसरे फ्लावर को ज्वाइन करेंगे लास्ट के, तो इसे उल्टा रख के हम इस तरह से यहाँ पे इसे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे भी हम इसे थ्री जगह पे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने तीसरे फ्लावर को भी ज्वाइन करके लिया है। तो अब मैं आपको पट्टी पे हम इसे किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम पट्टी को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करके लेंगे इस तरह से सुई धागे से, जिस तरह से हमने यहाँ पे फ्लावर को ज्वाइन किया उसी तरह से। तो मैं आपको बताती हूँ हम इस तरह से हम इसे ज्वाइन करके यहाँ पे हम धागे को कट करेंगे, फिर से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे इस तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने यहाँ पे पीछे की साइड से इसे ज्वाइन करके लिया है और इस तरह से हम इसे रख के साइड से चेन बनाएंगे। तो फ्रेंड साइड से हम वाइट कलर से चेन बनाएंगे, जिस तरह से मैंने इस ब्लॉक में बनाया है इसी तरह से। तो मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम वाइट कलर लेंगे और इसे पट्टी से ज्वाइन करके लेंगे नॉट लगा के। तो फ्रेंड इस तरह से हम यहाँ पे पट्टी पे इसे ज्वाइन करके लेंगे और आपको जितनी चेन बनानी है आप बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं 8 चेन बना के लेने वाली हूँ इस तरह से। और जो यहाँ पे हमारे फ्लावर की डिज़ाइन है यहाँ पे हम इस तरह से
8 चेन को ज्वाइन करके लेंगे। उसके बाद फिर से आगे हम एट चेन बना के इसी तरह से फ्लावर से इसे ज्वाइन करके लेंगे। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से पूरे ब्लॉक पे यहाँ तक चेन बना के लेनी है। आपको जितनी चेन बनानी है कमी या ज़्यादा करके आप बना सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे एक ही राउंड बनाया है चेन का, वहाँ पे आप दो राउंड भी बना सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरे ब्लॉक पे चेन बना के ली है। अब मैं आपको हम यहाँ पे लटकन किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे बना के लगाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम वाइट कलर को लेंगे और 10 या 11 बार आपको जितना लटकन बनाना है बड़ा, उतना आप उतनी बार इसे हाथ पे धागे को लपेट के लेना है और कट करके सुई धागे से। इस तरह से इसे बीच में से कट करके लेना है और उसके बाद इस तरह से धागे से इसे नॉट लगा के इसे कट करके लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे चेन के ऊपर लटकन लगा के लेने हैं। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे लटकन लगा के इस ब्लॉक को पूरा करके लिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।